नमस्कार, जबलपुर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जहां लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज इसी कड़ी में रानीताल के भाजपा कार्यालय में जनसंपर्क प्रभारी सोनू बचवानी के नेतृत्व में मेरा परिवार भाजपा परिवार जनसंपर्क अभियान की शुरुआत हुई। इस दौरान भाजपा विधायक अशोक रूहाणी, महापौर स्वाति गोडबोले, नगर अध्यक्ष जीएस ठाकुर सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मेरा परिवार भाजपा परिवार, इस भाव से जो है हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करते हैं कि हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता हमारे परिवार का होता है और उसके परिवार का सुख भी हमारा, उसका दुख भी हमारा। इस दृष्टि से हम काम करते हैं। परिवार वाइज संपर्क होगा, बूथ वाइज सभी कार्यकर्ता हमारे मंडल स्तर पे, बूथ स्तर पे सभी पहुंचेंगे। आप सभी से आह्वान है कि सभी लोग अपने ध्वज को, जो हमने आज यहाँ पे सबको ध्वज दिए, अपने अपने घरों पे लहराएंगे और भारतीय जनता पार्टी का संदेश देंगे। अवैध हथियार और मादक पदार्थ की तस्करी को लेकर जबलपुर पुलिस ने इन दिनों अभियान छेड़ा हुआ है। इसी के तहत आज फिर क्राइम ब्रांच और गोरा बाजार पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 3 पिस्टल, 2 कट्टे और कारतूस बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक क्राइम ब्रांच की टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि बिलहरी का प्रेम मलिक अपने 2 साथियों के साथ चेतना मैदान पानी की टंकी के पास खड़ा है, जो आपराधिक प्रवृत्ति का है। कोई गंभीर वारदात घटित करने की फिराक में है। 3 आरोपियों को पकड़ा गया है। इसमें प्रेम मलिक उर्फ अनमोल, रंजीत पिता रामलाल विश्वकर्मा, बड़कू पिता रामदेव सोनकर हैं। इनके पास से 3 पिस्टल और 2 कट्टे जब्त हुए हैं। एक ही थाना क्षेत्र में कुछ ही घंटों के अंतराल में एक के बाद एक 2 हत्याएं हो जाने से जबलपुर दहल गया है। शहर के ग्वारीघाट में देर रात अलग अलग स्थानों में 2 युवकों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पहली घटना ग्वारीघाट थाना के ललपुर में हुई, जबकि दूसरी घटना रेत नाका की है। घटना के बाद ललपुर में मनीष गौड़ की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि रेत नाका में हुई सुजीत पटेल के हत्यारे अभी भी फरार हैं। किसानों के दम पर मध्य प्रदेश में सरकार बनाने वाली कांग्रेस के राज में भी किसानों का परेशान होना बदस्तूर जारी है। जिले के चरगावा में 5 ऐसे किसानों को यूनियन बैंक गोपाल बाग ने 30 लाख के कर्ज का नोटिस दे दिया, जिन्होंने कभी ना ही उस बैंक की शक्ल देखी और ना ही उस बैंक में उन किसानों का खाता है। अचानक से 30 लाख के कर्ज का नोटिस पाकर किसान अब सदमे में है। इधर कलेक्टर ने इस पूरे मामले के लिए SDM को जांच के आदेश दे दिए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।